En acero está en usted. Tu honki ni que banical. Honki hayatat kal. Honki masail halkal. Hum apne bachon ki qurbani tere khadmon pe denge. Maangna band hoga. Aapko khud hayatat ko chunna hoga. खुद खायत बनाना होगा। अब हमने गुलबर्गा नाल के अंदर बहुत सारे जोकर देखे। हिंदुस्तान, कर्नाटक, गुलबर्गा, क्या कुछ नंगा नाच नाचा जा रहा है। क्या हालत है, किसको जिताया था, किसको मुंतखब किया था, कैसे कैसे पापड़ बेले गए, कौन तुम्हारी मदद के लिए आगे आया। अवाम का ख्याल मर्द करेगा। जो जो अपने भांजे को ना बचा सका वो हम को क्या बचाएगा। ये हम को दे दिया लात, फिर होगी मुलाकात 2023 में। बाबा ताए ताए, बाबा ताए ताए। इमामत करना औरत का हक नहीं है, मर्द का हक है। वो बेतुकी औरत और वो हैदराबाद के सांड। मैं वखार अशरफी हूँ, लिफाफे का वजन नहीं देखता जो बागबानी के अंजुमन से तुलू हो। सहाबी का बेटा गलती करे तो हम उसे नहीं बख्शते, तो साहेब के बेटे को कहाँ बख्शेंगे। भैया का हक अदा किया, भाभी को कुर्सी पर बिठाया। एक मैना भी थी, अब उसके बाबा पूछा गया, मैना सिर हुसैन के साथ। अब एक कपड़े उतारो, नीचे एक छोटा कपड़ा, ऊपर एक बंदे को बताओ, या जो देखना है हम देखते हैं, उसके बाद फैसला करते कौन सेलेक्ट है, किसके सर पे ताज है। याद रखो, एक गुलबर्गा के गैर मुसलमानों और साथ ही बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम शहरियों बाशिंदों अगर मुंतशिर रहे तो तुम्हारा शिराजा बिखर जाएगा। आज के उन्वान के तहत यही है, इत्तेहाद वक्त की जरूरत। आज इत्तेहाद के लिए आपको आवाज दी जा रही है। क्या कहा था, क्या हालात है, किसको जिताया था, किसको मुंतखब किया था, कैसे कैसे पापड़ बेले गए, कौन तुम्हारी मदद के लिए आगे आया, कैसे हालात तुम पर गुजरे। कोई पूछा रोटी के लिए, कोई पूछा तुम्हारी सेहत के लिए, कोई पूछा तुम्हारी औलाद के लिए, जवाब दो। एक गुलबर्गा के गयूर मुसलमानों, एक गुलबर्गा की गयूर अम्मा, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। एक का वोट लेकर कोई नहीं जीता, सारों के वोट दरकार है, और जिसको वोट देकर मुंतखब किया गया वो ऐश में है, आराम में है, शादमानी में है, परेशान अफवाह है। कोविड का मामला हुआ, कौन मदद को आया, रोडों पे मरीज रहे, ऑटोओं में मरीज रहे, कौन आया था, कौन संभाला था। आज हिंदुस्तान, कर्नाटक, गुलबर्गा, क्या कुछ नंगा नाच नाचा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। 14 के बाद आज तक कैसा अवाम परेशान है। ये अवाम की सुनने वाला कौन। बहुत हाथ उठा लिए गए, बहुत नारे लगाए गए, मगर अब वक्त आपको आवाज दे रहा है। अभी किसी ने कहा कि आपको वोट डालना, आपको वोट मांगने आएंगे, आपको वोट देना है। नहीं, अब मांगना बंद होगा, आपको खुद ख्याल तक को चुनना होगा, खुद खायत बनाना होगा। अब हमने गुलबर्गा नाल के अंदर बहुत सारे जोकर देखे, बहुत सारे जोकर।
मैं मजहबी आदमी हूं, मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं, मगर फिर भी जब दीन का, जब शरीयत का, जब हिजाब का, जब अजान का और जब हमारी कौम की भुखमरी का मामला आया, तो उन मौलवियों की तरह नहीं कि जिनके मुंह में दही जम गया हो, बोलने के लिए घबराते हो। अबे वो इमाम नहीं हो सकता जो गुलामी करे। इमाम की पहली शर्त है कि इमाम आजाद हो। आजाद हो, उठा के देखो, इमामत के छह शरायत है। इमामत के छह शरायत में पहला यह है कि इमाम आजाद हो, जुल्म के खिलाफ बोले, बर्बरियत के खिलाफ बोले। यह हमारा हिंदुस्तान हमें कानूनी हक देता है। क्या है? किसी पर कोई नकेल नहीं, सब पे लगाम हो गए हैं। प्रशासन खामोश है, अरबाब इख्तदार इख्तदार की कुर्सियों पे बैठकर शर्पसंद अनासिर को इत्तेहाद पारा पारा करने के लिए छोड़ दिया गया है। हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, कौन है संभालने वाला? अबे जिसको नकाब में रहना है वो नकाब में रहे, जिसको मकान में रहना है वो मकान में रहे, जो रोटी सालन का ख्याल करे अवाम का ख्याल मर्द करेगा। मुझे इतने छोटे ताले की जरूरत नहीं, ताली मत बजाओ इज्जत जाती है, क्योंकि अगर मर्दानगी कबूल है तो पूरा मजमा नारा लगाएगा, वरना खामोश बैठो, तुम्हारी जरूरत नहीं है तालियों की, क्योंकि हम तुमको फिक्र देने के लिए आए हैं, तुमको बताने आए हैं, तुमको समझाने आए हैं। 4 साल में तुम्हारा क्या हुआ? नॉर्थ के अंदर कौन सा भरा हुआ? आज दिल्ली से लेकर गली तक अवाम परेशान है। गिरफ्तारियां अमल में आई, कौन आया था आगे? लोगों ने कह दिया है, सोचो एक गुलबर्गा के गयूर लोगों, सोचो ये अवाम, सोचो कौन है तुम्हारा हामी, कौन है तुम्हारा मददगार, तुम्हारे वोट लेकर आज आराम से है। अरे जो जो अपने भांजे को ना बचा सका वो कौम को क्या बचाएगा? बचाएगा? आए कभी रिबन काटने होटल की ओपनिंग बिरयानी पे हाथ? अब ये कहाँ जाएगी? ये कौम को दे दिया नाथ, फिर होगी मुलाकात 2023 में, बाबा ताए ताए, बाबा ताए ताए। ये हमारी कौम है, जानती है खयादत, इनके अंदर नई लहर है, इनके अंदर जज्बात है, इनके अंदर कुव्वत है। हमको बताने की जरूरत नहीं है कि खायद कौन हो। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इमामत करना औरत का हक नहीं है, मर्द का हक है। ना नबुव्वत औरत के लिए है, ना विलायत औरत के लिए है, ना इमामत औरत के लिए है, ना खयादत औरत के लिए है। इसके लिए तो मर्द चाहिए। अगर कुछ हो गया, अब तो घूर के देखना चालू हो गया, 10 बज गए ना, अपने अपने सब अपने हैं। अगर कुछ हो गया तो उन्होंने बेंगलुरु में तुम कहाँ रहेंगे? सोचो, हंसी की बात नहीं है, नारेबाजी की बात नहीं है, तालियां बजाने की बात नहीं है, सोचो। अल्लाह का एहसान है, परसों भी यहाँ पर एक वो बेतुकी औरत और वो हैदराबाद के सांड
के मुतालिक एहतजाज हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुलबर्गा के अमन और सुकून को तबाह व बर्बाद नहीं किया। हमको बंदा नवाज ने सबक दिया है अमन का, हमें बशवेश्वर ने हमें अमन का सबक सिखाया है। हम जानते हैं ये हमारी तहजीब गंगा जमनी तहजीब है। अब सर पे पल्लों का नाम हिजाब नहीं है। उलमा को बुलाया गया झटके पर या हलाल पे, मशवरा लिया गया नहीं। अजान के मामले में पूछे ये लोगों का काम यह माइक आगे करना, माइक आगे करना। ये मीडिया वाले हैं माइक जिसके भी पास लेकर मुंह में माइक घुसर देते हैं। पूछे अजान के मामले में नहीं हुआ हाटर है लिहाजा बारी कल को अजान दो कल को अजान दो। और तुम्हें चीखा माल को बोलो तुम्हारा भांजा तक पड़ा के पूरा निकले। आज तौहीन रिसालत पर मामला हुआ, गुस्ताखी की गई, भांजे का जुलूस निकाला गया, तहफ्फुज़े नामूस का जुलूस निकाला गया। तुझे सियासत प्यारी है कि रिसालत प्यारी है? सियासत चाहिए या रिसालत? जवाब दो, सोचो वक्त कैसा आ रहा है, क्या होने वाला है, किस तरीके से मुसीबत है, किस तरीके से परेशानी है। तुम्हारा कोई हामी वो मददगार नहीं। अब आने वाले दौर में अगर कोई मददगार होगा तो इसम बा मुसम्मा, इसम बा मुसम्मा। अरबी में नासिर कहते हैं मददगार को, क्योंकि मैं जानता हूँ अरबी में नासिर कहते हैं मददगार को। क्योंकि जमाने ने सताया है मुझे, ये भी सताते हैं। लहद भी कांप जाती है जब ये मलखत पे आते हैं। मजारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता, कलेजा चोट खाने पर अगर मायल नहीं होता। नछेड़ा के लगा दूंगा आशियाने को, मैं वो नहीं हूँ, मैं वखार अशरफी हूँ। लिफाफे का वजन नहीं देखता जो बागबानी के अंजुमन से तुलू हो। ऐ नासिर हुसैन उस्ताद, आपकी पार्टी को अगर मलीदा चाहिए फातिहा दिलाकर वखार अशरफी देगा। नासिर हुसैन उस्ताद, तू कौम की निगरबानी कर, कौम की खयादत कर, कौम के मसाइल हल कर, हम अपने बच्चों की कुर्बानी तेरे कदमों पे देंगे। हम वो नहीं है कि औरतों के पल्लों से वजू के बाद चेहरा पोछ ले। हम अपनी दस्ती खुद जेब में रखते हैं, हैं? ये दल में दिखे, फिर वो दल में दिखे। मोल साहब दल 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 में रहोगे तो दल दल में फंस जाओगे, एक दल में आ जाओ जो जनता का दल है। जनता का दल है और ये जनता का दल गुलिस्ता है, और यही आपको बागबानी करनी है। सोचो अलंग का मसला हुआ, अंदर क्या हुआ क्या नहीं है, दोनों गए देवर भाभी दोनों गए। हम वो हैं सहाबी का बेटा गलती करे तो हम उसे नहीं बख्शते, तो साहेब के बेटे को कहाँ बख्शेंगे। हम जानते हैं जब सहाबी का बेटा अपने किरदार से फिर जाए, सहाबी का बेटा अपने तरीके से फिर जाए, सहाबी का बेटा कौम के तकाजों को भूल जाए, तो हमने उसे नहीं बख्शा है। 1350 बरस हुआ आज तक दुनिया की धरती पर उस पर लानत मलामत की जा रही है, तो अब दूसरे को कहाँ बख्शा जाएगा।
बाबा हम आशिक़े रसूल हैं, हम नबी के वफादार हैं, बस तुमको यही फिक्र देने में मजहबी आदमी सियासी स्टेज पर आया हूँ। अगर दिशे अयाम मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोचो तुम भी, वक्त कैसा है, दिया ना भाई वोट दिया नहीं, हक तो अदा किया है, भैया का हक अदा किया, भाभी को कुर्सी पर बिठाया, हो गया ना, अब तुम्हारा हक कौन अदा करेगा? नासिर उस्ताद वो तो करेंगे, तुम बोलना है तुम्हारा हक कौन अदा करेगा? सोचो, अभी एक साहब ने कहा इतना बड़ा मसला हिजाब का, मौलवियों को नहीं बुलाया गया, आइमाए मसाजिद को नहीं बुलाया गया, अरबाब इल्म और दानिश को नहीं बुलाया गया, डायरेक्ट कहा गया। और एक अजीब बेवकूफ है, सर पर ओढ़ लेने का नाम हिजाब समझ लिए, बैठ दे रही, दौनी डाल लेने का नाम हिजाब बोले, है मुझसे पूछो, आइए मैं अमीर गुलशन फंक्शन हॉल के पास रहता हूँ, आइए मुझसे सवाल आप कीजिए, अजान कब दी जाए, हलाल और झटके में क्या फ़र्क है, एनआरसी में क्या मामला है, मुसलमानों के हुकूक क्या है, रिसालत पर कोई हमला करता है, अज़रुए शरा क्या हुक्म है, कैसा किया जाएगा, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हर शहरी को जो अपनी मजहबी आज़ादी है उसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो कौन सी तसाहत में उसकी गिरफ्तारी होगी, हमसे पूछो, नहीं आज मीडिया को बोलते हैं, उलमा से मशवरा करें। पहले एनआरसी का मसला आया, मैं मुबारकबाद दूंगा, हिंदुस्तान में सबसे पहले इस शख्स ने, नासिर हुसैन उस्ताद ने मीटिंग बुलाया सारे अरबाब सियासत को, अरबाब मजाज को, सियासी मजहबी उलमा मशायखी सबको बुलाया, और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर पहला शहर गुलबर्गा है जो दफा 144 के खिलाफ जाकर पूरे अमन व सुकून के साथ अपने मुतालिबे को मनवाया गया। कहीं हुआ, कहीं पत्थर चला, कहीं किसी खिड़की का गिलास टूटा नहीं, इतनी बड़ी गैदरिंग, इतना बड़ा मजमा, मुझे मालूम है उस वक्त कंधे से कंधा लगाकर मैं अंदर था, यहाँ का कमिश्नर साहब को बोला कोई तैयार नहीं है, आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो इन्होंने कहा कि मेरी कौम का मसला है, कोई आए ना आए, नासिर हुसैन उस्ताद एहतजाजी जुलूस निकालेगा। अब उसके बाद पूरे आ गए कबूतरा डाली पे, हाँ डाली पे आ गए, एक मैना भी थी। अब उसके बाद वहाँ पूछा गया, मैं नासिर हुसैन के साथ हूँ, चलो निकालो, कम से कम हक बात तो ये हुई है, आखिरी वक्त में तो आ गए। बाबा याद रखो ये मुस्लिम, अब वैसे भी ये मुस्लिम चौक जो है ना वो फैशन शो में एक रैंप होता है, यूं करते हैं, ये सियासी रैंप है, समझे, हर कोई साउथ से इधर से उधर से उड़ता है आता है, यहाँ अपना टैलेंट दिखाता है। देखो अबे कपड़े उतारो, नीचे एक छोटा कपड़ा, ऊपर एक बंदे को बताओ, यहाँ जो देखना है हम देखते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कौन सेलेक्ट है, किसके सर पे ताज है। ये मत करना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अच्छा अब तुम ईमानदारी से सोचो, मैं भी सोचता हूँ, आने वाले 23 में कौन मर्द मुजाहिद है जो हमारे मसाइल को ऐवान असम्बली में कन्नड़ा जबान में उठाए, है ना? अब इनको बोले तो 2 दिन के बाद लोगों से ट्रांसलेशन कराने के बाद समझ में आता है, उसके बाद लिख को देते हैं। अब ऐसा हुआ था, अरे फौरन ऐवान में बोलना चाहिए, रोकना चाहिए उसको, उसका काउंटर करना चाहिए। यह है इंशाअल्लाह, मैं मसाजिद के मिंबरों से, ये तो सियासी मंच है,
मसाजिद के मिंबरों से, मजहबी स्टेज से इंशाअल्लाह गुलबर्ग के मकरूह सियासतदानों के चेहरे से नकाब उठाकर उनका ओरिजिनल फेस पेश करूंगा। सिर्फ तुम तैयार रहना।